Good morning dear friends and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. This is the day the Lord has given us. Let us rejoice and be glad in it. Because he who has given us this day also has already made all things uh, necessary to live And holy life. क्योंकि उसने जिसने ये दिन हमें दिया उसने हर एक बात को मुहैया कराया कि हम इस जीवन को पवित्र रूप में जीने पाए रिम्बर वी आर कंसिडरिंग द रेस्टन ऑफ जीसस क्राइस्ट बेस्ड ऑन ट्वेंटी और याद रखिए हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में कि कैसे उसका पुनरुत्थान एक रहस्य है और इसके प्रति मनन के प्रति जो वचन है वो मत रचिस्वी समाचार उसका अध्याय पहले वचन से लेकर पांचवे वचन तक ऑफ क्राइस्ट और वो रहस्य जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को घेरे हुए और आज के दिन का मनन इस संदर्भ का या इस शिक्षा का अंतिम भाग होगा वाई गॉड इन सोवरन अथॉरिटी

और हमारा जो पिछला मनन था जो बृहस्पतिवार को हमने किया वी कंसिडर दू रीजन पहले दो कारणों में से हमने पहले कारण के ऊपर अपने मनन को रखा इट इज नॉट इन गॉड्स कैरेक्टर टू फोर्स इज विल ऑन पीपुल मे बिलीव जो कि पहला कारण था कि ये परमेश्वर का चरित्र ही नहीं कि वो दबाव बनाकर लोगों या मनुष्य के ऊपर उन्हें विश्वास करने के लिए मजबूर कर दे यू रिमेम्बर रिच यंग रूलर क्या आपको याद है वो धनी he राजा ही केम टू वो जवान राजा धनी जो With था question, वो यीशु के पास आया मस्ट आई डू टू बी वो सवाल के साथ वो आया और यीशु से पूछा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? टोल्ड करूँस द ट्रूथ और यीशु ने उसे सत्य बताया बट ही लेट सी वेरी सैड लेकिन वो बड़े दुख के साथ उस जगह सेन क्योंकि जो उत्तर प्रभु यशु मसीह ने इस जवान को दिया ही कुड नॉट एक्सेप्ट उस उत्तर को ग्रहण नहीं कर पाया बिकॉज दू गो एंड सेल एवरीथिंग यू हैव एन

Uh, जो नियोता प्रभु ने दिया उसको ग्रहण करने so के योग्य लेफ्ट द प्रेजेंस ऑफ जीसस सैड और इसलिए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति से निकल गया दुख के साथ एंड व्हाट डिड जीसस डू और यीशु ने क्या किया डिड ही गो आफ्टर हिम पिक्ड हिम अप बाय हिज ईयर एंड शूक हिम एंड सेड यू बेटर बिलीव कि यीशु ने क्या उसे उठाया और हिलाकर कहा हां तू विश्वास कर No, ऐसा नहीं that is इज नॉट इन कैरेक्टर क्योंकि ये प्रभु येशु के चरित्र में ही नहीं the truth इज प्रेजेंटेड वो सत्य तो रख दिया गया एंड देन पावर has made गॉड और जिस सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने आपको बनाया टू थिंक एंड चूज एंड डिसाइड कि वो आप सोचें और चुनाव करें देसरसाइज वो सामर्थ को उस गुण को आपको अपने कार्य में लाना है सो लेट अस लुक एट द सेकंड रीजन व्हाई देयर वाज नो आई विटनेसेस और आइए आज के, के दिन के मनन के लिए हम देखेंगे वो दूसरा कारण कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का कोई आंखों देखा गवाह नहीं इज अ वेरी स्पेशल पर्पस एक बहुत ही खास कारण है वी मे से सो और हम ऐसा कह सकते हैं फॉर दिस अरेंजमेंट इस प्रकार की बात की वजह से दिस फंडामेंटल फैक्ट ऑफ क्रिस्टियन फेथ और प्रभु पर मसीही विश्वास का ये जो सिद्धांति स्तंभ है What इज दैट वो क्या है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान इन विच ऑल हैव द सेम इंटरेस्ट जिनमें सबका एक ही बात है We all are interested in this. और हम सब इसी बात में रोमांचित हैं और इट कम्स टू ऑल प्रूफ और ये सबको एक ही सबूत के साथ आता है टू पीटर एंड जॉन पत्र एंड ऑल ओरिजिनल और जितने भी पहले सत्य के प्रेरित यू एंड मी और आपके और मेरे लिए भी। हु लिव नाउ एट द 21st सेंचुरी जो 21वीं सदी में जीते हैं The resurrection message comes with the same proof. और वो पुनरुत्थान का संदेश एक ही सबूत के साथ आता है। And What is the proof? वो सबूत क्या है? The testimony of competent witnesses. और गवाही उन सारे गवाहों की जो गवाह दे सकते, गवाही दे सकते थे। Who have experienced the resurrection power? जिन्होंने पुनरुत्थान के सामर्थ का अनुभव किया? टू दर्स्ट डिसाइपल्स इट ब्रॉड एज इट इज टू अस एज ए मैटर ऑफ टेस्ट मनी और पहले चेलो के लिए ये लाया गया यह कह कहकर ये तो हमारे लिए गवाह होने के लिए ठहराया गया द सेम वे और उसी तरीके से द टेस्ट मनी सपोर्टेड बाई सब्सिक्वेंट प्रूफ और जो गवाहियां थी उन्हें दूसरे सबूतों के द्वारा साबित किया जा सकता है टू द वीमेन The angels testified. और उन स्त्रियों के सामने स्वर्ग दूत ने इस बात की गवाही दी to the, the women दुम और दो स्त्रियों ने गवाही दी And to us. और हमारे लिए the disciples, the original disciples have given their undisputed testimony. और जो पहले सदी के पहले चेले थे उन्होंने हमें अपने लिए गवाहियों को दिया है. And the world today receives it from us और आज के दिन संसार इस गवाही को हमसे प्राप्त करता है in each case और हर एक स्थान पर the first demand to believe is on the same ground कि पहला मांग तो यही है कि हम विश्वास करें what is that ground और वो पहला स्थान क्या है the testimony वो है गवाही the ground to believe was and is never नी आउटवर्ड डेमोन्स्ट्रेशन और याद रखिये वो स्थान जिस पर हमें विश्वास करना था वो कोई बाहरी दिखावा नहीं बट लेकिन ऑन द टेस्टमानी ऑफ क्रेडिबल विटनेसेस वो तो पहले प्रभु येशु मसीह के जो विश्वासी थे या गवाहियां थी उन पर विश्वास करते थे दस ऑन दिस फंडामेंटल फैक्ट और इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार ऑल आर प्लेस्ड ऑन द सेम लेवल सबको एक ही स्तर पर रखा गया है जीसस एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू और यीशु भी इसी बात की अपेक्षा आपसे करता है वेट यू बिलीव ताकि आप विश्वास करें not because you saw नहीं क्योंकि आपने देखा but because you believe his word is true लेकिन आप उसके वचन पर उसकी सच्चाई पर विश्वास करते हैं that it is true कि ये सत्य है god's word is true और परमेश्वर का वचन सत्य है because god is true क्योंकि परमेश्वर सत्य है and blessed are those who believe though they have not seen और धन्य हैं वे जिन्होंने देखा नहीं लेकिन फिर भी विश्वास किया That is the these are the words that Jesus spoke to Thomas और ये वो शब्द हैं जो थो, यीशु ने थॉमस से कहे Those of you who always look for demonstration और आप में से वे जो हमेशा साबित करने की बात करते हैं and uh, miracles और चमत्कारों की बात you will have them all आपको वो सारे मिलेंगे demonstrations of uh, मेनी वेरियस गिफ्ट साबित करना कई तोहफो के द्वारा एंड चमत्कार एंड साइंस एंड वंडर चिन्ह यू कैन हैव द मॉल ये सारे हो सकते हैं बट फर्स्ट यू मस्ट बिलीव ऑन द फेथफुल टेस्टमनी ऑफ गॉड्स promises. लेकिन पहले तो आपको परमेश्वर के विश्वास योग्य वादों की गवाही के ऊपर विश्वास करना होगा फेथफुल testimony, विश्वास योग्य गवाहियां Handed down to us through the angels. और जिन्हें स्वर्ग दूतों के द्वारा हमें दिया गया है. Angels to the women. और स्वर्ग दूतों के द्वारा उन दोस्तियों को. And the women to the disciples. और उन स्त्रियों के द्वारा चेलों को. What was the testimony? वो गवाही क्या थी? Christ is alive. अरे यीशु जीवित है. And the subsequent proof demonstrated in the result of their testimony. और जो सबूत था वो उनकी गवाही से हमें मिलता है. How the, this testimony

The courage of the disciples. जो बदलाव चेलो के जीवनों में आया खास रीति से जो से भर गए रिस्पॉन्डिंग टू दिसमारी और वह बदले हुए जीवन जो इस बात को साबित करते हैं कि कैसे उनका जीवन बदल गया जब उन्होंने इस गवाही को और तब हम कि कैसे जो तारसस नगर से आता था उसका मन बदलाव हुआ और उसके बाद कैसे हम इस सच्चाई को देखें और परखें कि कलिसिया की बढ़त कैसे हुई मेन एस अ ड्यूटी एंड नॉट रिक्वेस्टेड as a favor और याद रखिए विश्वास की मांग एक मनुष्य की मनुष्य से की जाती है एक जिम्मेदारी के रूप में ना कि परमेश्वर के प्रति किसी लाभ के लिए and when the day has dawned लेकिन जब वो दिन ना जाएगा द लाइट इज इट्स 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 ओन एविडेंस तब वो ज्योति ही अपना सबूत होगी टू द ओपन आइज़ उन खुली हुई आंखों के लिए सो यू डों नीड टू रन अराउंड आस्किंग पीपल एज द डॉन कम्स एस दफ यू यूर आइज आर ओपन तब आपको कहीं घूमने या भटकने या पूछने की जरूरत नहीं अगर आपकी आंखें खुली है कि क्या भोर हो गई सुबह हो गई एंड दिस इज सेकेंड रीजन वाई और यही वो दूसरा कारण है कि क्यों कोई गवाह प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के नहीं टू स्प्रेड दिस गुड न्यूज और मेरे मित्रों हमारे हम सबको प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए बुलाया गया।

रियालिटी ऑफ दावर ऑफ रिस्ट्रक्शन लेकिन हमने इसलिए विश्वास किया क्यूँकी वो पुनरुत्थान का सामर्थ हमारे जीवन में कार्यरत है सो मै द्लेस यूज और परमेश्वर आप सबको आशीषित करे जैसे आप भी इस चुनाव को करते हैं my लोड एंड माई जीस मेरे परमेश्वर और मेरे स्वामी I pray for every man and every woman, every boy and girl। मैं हर एक पुरुष महिला स्त्री और बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ this message? जो इस संदेश को सुनेंगे त्मा से प्रभावित हो जाएंगे उनके विश्वास को आप मजबूत बनाए परमेश्वर एंड देवनेस टू अदर्स और वो दूसरों के लिए गवाह बनने पाएंगीपुल जब तक वो कुछ और लोगों को विश्वास में न ले आए ऐसा विश्वास प्रभु यीशु मसीह का जो ना बदलने वाला है। so thank you for your resurrection power. और इसलिए धन्यवाद तेरे पुनरुत्थान के सामर्थ्य you for the truth of your resurrection धन्यवाद तेरे पुनरुत्थान की सच्चाई के to you सारा महिमा तुझे देते In Jesus name यीशु के नाम में Amen. Amen. This is a great day और, my friend. और ये एक महान दिन है मेरे मित्रों. Enjoy this day. इस दिन का आनंद लें. The Lord's favor is upon you. और परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर है. Amen. Amen.